पता है सर, कहते हैं कि अगर माँ मर भी जाए ना, तब भी हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ को होती है। और अगर ये दुनिया इसकी औलाद को परेशान करे तो अपने खुदा से शिकायत करती है। ठीक कह रही है सर। आपको मुझसे आज एक वादा करना होगा। कैसा वादा सर? आपको मेरी माँ के सामने उनकी गवाही में ये वादा करना होगा कि आप अपनी आखिरी सांस तक ये रिश्ता निभाएंगे। सर, मैं तुमसे, तुम्हारी अम्मी से ये वादा करता हूं, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। चले। अदुआ? हाँ। मैं आपकी बेटी का मरते दम तक साथ निभाऊंगा। जावेद साहब, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। असद भाई हैं? सर, असद साहब तो एक हफ्ते के लिए दुबई गए, आपको नहीं पता इस बारे में? इसलिए तो आया हूं, जरूरी बात करनी है आपसे। इधर आए। चल क्या रहा है जावेद साहब? टेल मी, आप हमारे बरसों पुराने एम्प्लॉई हैं, क्या मुझ पर इतना सभी ट्रस्ट नहीं कर सकते? मैं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर आप मुझे सच सच बताएं कि हो क्या रहा है। सर, दरअसल हमारी रिसेप्शनिस्ट है, आजकल असद साहब उसके बहुत करीब। नाम क्या है उसका? सर, शहर। एड्रेस क्या? सर देखें, प्लीज मैं बता तो दूं आपको, लेकिन आपका नाम कहीं नहीं आएगा। आपकी नौकरी और आपका नाम दोनों सेफ हैं, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन मुझे हर हाल में उस लड़की का एड्रेस चाहिए, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है सर, मैं फाइल में है एड्रेस, मैं आपको लाके देता हूँ। एक और बात, ऑफिस में किसी से भी इस बात का तस्करा मत कीजिएगा। कैसी बात कर रहे हैं मैसम साहब? अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि ये बातें मैंने आपको बताई हैं, तो मेरी नौकरी तो फौरन चली जाएगी। मैं भी ला के देता हूँ।